नमस्कार, इस बुलेटिन में कई अहम खबरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को लेकर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में आज चुनाव आयोग में सुनवाई होगी और आपके विधायकों के खिलाफ बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी अपना पक्ष रखेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों का क्या होगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो मामला है उसे लेकर आज सुनवाई होगी चुनाव आयोग में, यह सुनवाई होगी। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ है इस खबर पर। ब्रजेश, आज ये सुनवाई होने जा रही है, क्या दोनों पक्ष अपना पक्ष रखेंगे या फिर कोई निर्णायक आज फैसला भी आ सकता है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह निर्णायक फैसला आ जाएगा इसकी संभावना फिलहाल कम ही है, लेकिन आज सुनवाई होनी और इससे पहले जो दो सुनवाई हुई थी उस दौरान बीजेपी, कांग्रेस और दिल्ली सरकार ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की थी और कहा था कि हमें भी पार्टी बनाया जाए। लेकिन अभी मैं आपको अपडेट बता दूं कि जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस और दिल्ली सरकार के पक्ष को आयोग ने नकार दिया है, यानी कि अब केवल प्रशांत पटेल जो शिकायत करता है और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के 21 विधायक, ये दोनों पक्ष ही आमने सामने हैं और आज 21 विधायकों की तरफ से उनके वकील अपनी दलीलें देंगे और जो शिकायत करता है वो पेश होकर के अपने प्रमाण, यो तो पहले भी सौंप चुके हैं और एफिडेविट 21 विधायक अपना पहले भी लगा चुके हैं, लेकिन आज ये फाइनल सुनवाई होगी और उसके बाद शायद जो है आयोग अपना फैसला रिजर्व कर ले या फिर फैसला आज या कल में किसी भी वक्त दे भी सकती है। तो आज बेहद ही महत्वपूर्ण सुनवाई है क्योंकि दिल्ली सरकार ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर के जो दिल्ली सरकार ने एक्ट बनाया था उसको उपराज्यपाल और राष्ट्रपति ने पहले ही नकार दिया था और अब ये सुनवाई हो रही है महत्वपूर्ण, तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं किस विधायकों की वो लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, तो गेंद अब चुनाव आयोग के पाले में है और अब देखना होगा कि इन 21 विधायकों का क्या होता है। शुक्रिया ब्रजेश आपका पूरी जानकारी के लिए। और वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसले में 2012 में प्रतापगढ़ की पट्टी विधानसभा सीट के चुनाव को रद्द कर दिया। 2012 में इस सीट से, आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राम सिंह ने बीजेपी के मोती सिंह से महज 154 वोट से हराया था। चुनाव हारने वाले बीजेपी उम्मीदवार मोती सिंह ने कहा था कि वोटों की गिनती के दौरान पोस्टल बैलेट के 955 मतों को गिना ही नहीं गया। कोर्ट ने फिर चुनाव रद्द करते हुए तत्कालीन एसडीएम शारदा यादव का नाम लेकर सरकार को ताकीद की कि ऐसे अफसरों पर कार्रवाई हो और इन्हें कोई जिम्मेदारी की पोस्टिंग ना दी जाए। जस्टिस एएन मित्तल जी ने आदेश पारित किया है इलेक्शन याचिका को अलाउ करते हुए पट्टी विधानसभा 249 के चुनाव को रद्द कर दिया है जो 2012 में संपादित हुआ था। इसमें कंट्रोवर्सी ये था कि 955 वोट जो वैलिड थे पोस्टल बैलेट के, वो समय के रिटर्निंग अफसर ने उसको गिनने से मना कर दिया और 156 वोट का मत का अंतर था विजयी कैंडिडेट और उपविजेता में। उपविजेता भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी थे और 156 मतों से वो चुनाव हार गए थे, राम सिंह चुनाव जीत गए थे। उस चुनाव को रद्द कर दिया है और ये भी निर्देश दिया है स्टेट गवर्नमेंट को कि उन अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, विशेष तौर पर उस समय के एसडीएम शारदा प्रसाद यादव के खिलाफ टिप्पणी की है कोर्ट ने कि ऐसे लोगों को ऐसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को न दिया जाए। तो एक बार फिर नुमाइंदे जनता के बीच पहुंच रहे हैं। चुनावी मौसम में पिछली योजनाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है तो दूसरी तरफ नए दावों के साथ जनता के बीच नेतागण पहुंच रहे हैं और इन सब के बीच ये भी हम जान रहे हैं लगातार कि 2012 में आपसे जो वादे किए गए थे चुनाव के दौरान, क्या उन्हें पूरा गया, क्या आपकी बातें सुनी गई? तो अब हम आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र लेकर चल रहे हैं, वहां का हाल जानते हैं कि कैसे इस क्षेत्र में दावों और वादों के बीच में जनता की राय क्या है। ये है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र। 2012 से लेकर क्या इस क्षेत्र में विकास की बयार बही, क्या इस क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही हैं? क्या जिन वादों के साथ 2012 में चुनाव लड़ा और जीता गया वो वादे पूरे हुए? आखिर इन सालों में कितनी बदली है इस इलाके की तस्वीर? गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं विजय बहादुर यादव, जो इससे पहले 2007 में गोरखपुर की ही मानीराम सीट से विधायक चुने गए थे। विजय बहादुर यादव का दावा है कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए काफी काम किया है। उनका कहना है कि उनके क्षेत्र के लिए मिलने वाली लगभग
सारी विधायक निधि वो खर्च कर चुके हैं, जिसमें से उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा क्षेत्र के विद्युतीकरण पर खर्च किया है। इसके अलावा सड़कों और नाली के निर्माण पर निधि का इस्तेमाल किया गया। वहीं विद्यालय के उत्थान पर भी पैसा खर्च हुआ। 5 साल में विधानमंडल विकास निधि का 1.5 करोड़ रुपया मिलता और सर्वाधिक पैसा हमारे विद्युतीकरण में गया, उसके बाद सीसी के सड़कों में गया है, कुछ नाली में गया है और कुछ अति निर्धन अर्जेंट में जो दवा थी उसमें गया है। ये निधि का यही उपयोग था हमारे और कुछ बहुत ही नॉमिनल 5-6 विद्यालय थे जिसमें 1-1 लाख 1.5 लाख रुपया हमने दिया, जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों उस विद्यालय को उत्थान के लिए। ये तो बात रही विधायक जी के दावों की, लेकिन क्या इन दावों से गोरखपुर ग्रामीण की जनता इत्तेफाक रखती है? 2012 से अब तक कई सड़कों का शिलान्यास किया गया, लेकिन सड़कों की हालत पर गौर करें तो सड़कें कम गड्ढे ज्यादा नजर आते हैं। बरसात के दिनों में तो लोगों की मुसीबत और बढ़ जाती है। क्षेत्र के अलग अलग गाँव में हालात बेहद खराब है। खराब सड़कें और जलभराव से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई मोहल्लों में सड़कों पर जलभराव इस कदर हो जाता है कि घरों के अंदर तक पानी घुस जाता है। बच्चों का स्कूल जाना दूभर हो जाता है। इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़े तो वो भी मुश्किल। आज जितना गंदा पानी है सब बाहर बना रहता है, लड़कों को स्कूल जाना आना सब बंद है। त्योहार में हम लोग बाहर घर से निकलना बंद है। हम लोग आदमी है कि जानवर है, जानवरों की जिंदगी ऐसे नहीं कट रही है जैसे जिंदगी हम लोग के कटते हैं। हम लोग का मसला हल तो नहीं किए, लेकिन जो परेशानी हम लोग को देख चलेगा। इसके अलावा यहाँ के बाशिंदे बताते हैं कि इंसेफेलाइटिस के कहर का डर उन्हें बार बार सताता है, लेकिन इस जानलेवा दिमागी बुखार से लड़ने के लिए कुछ होता नहीं दिखता। वहीं बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझना उनकी किस्मत बन गई है। विधायक जी आते हैं, लोग अपनी समस्याएं कहते हैं, विधायक जी कहते हैं ठीक है काम हो जाएगा, आश्वासन देते हैं। उसके बाद हम लोग जाते हैं प्रशासन के लगे भी कई बार गए, कुछ नहीं कार्रवाई होती है। अभी तक ये 50 सालों से समस्या है, नाली बनाओ, आज तक तो नाली बनी नहीं। यहाँ पानी की भी बहुत समस्या है, लाइट की तो वो जबरदस्त समस्या ही है, कुछ नहीं बदली है। पिछले 10 साल पहले यहाँ RCC सड़क बनी थी, वो भी टूट गई है, नाली का रूप बन गया है, आज तक इस पे कोई मेंटेनेंस भी नहीं हुआ। गोरखपुर ग्रामीण इलाके के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिन योजनाओं का जोर शोर से प्रचार प्रसार हो रहा है उसका फायदा सिर्फ सीमित लोगों को हुआ, फिर चाहे बात बिजली की हो, सड़कों की, आवास की या शौचालयों के निर्माण से जुड़ी। वहीं लोग ये भी बताते हैं कि विद्यालयों में भी बच्चों के लिए सुविधाएं ना के बराबर हैं। बोल रहे थे जिसके पास डबल मकान, डबल मंजिल का मकान हो उसको नहीं मिलेगा, लेकिन इस गांव में जिसके पास डबल मकान है उसको भी मिला है, जिसके पास खेती नहीं उसको नहीं मिला, जिसके पास खेती है उसको भी मिला है। ये रोड टूट गया कि नाली टूट गया, शौचालय बना है कि नहीं बना है, कोई सर्वे करने नहीं आता इसलिए ऐसा पड़ा है। अगर कोई इसका निरीक्षण या सर्वे करने आता तो ऐसा नहीं रहता। तो दावों और वादों के बीच जनता की राय के साथ ये है गोरखपुर ग्रामीण इलाके की तस्वीर। गोरखपुर से प्रदीप तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। तो ये गोरखपुर की तस्वीर, वास्तविकता हमने आपको दिखाई। अब आगे बढ़ते हैं। यूपी के चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल से राज्य के अधिकारियों को सख्त चेतावनी उन्होंने दी है। चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल ने सभी डीएम और SSP को हिदायत देते हुए कहा है कि 15 दिनों में सुधर जाए, वरना ऐसे अधिकारियों को जो पब्लिक की नहीं सुनेगा जेल में डाल दूंगा। इसके साथ ही दीपक सिंघल ने केंद्र पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यूपी में नेशनल हाईवेज की हालत खराब है, NH की मरम्मत के लिए 2100 करोड़ रुपए मिलता है जो काफी कम है। अगर केंद्र सरकार हाईवेज की मरम्मत नहीं करा सकती है तो लिख कर दे, यूपी सरकार अपने बजट से करा लेगी। यूपी के चीफ सेक्रेटरी ने आरोप लगाया है कि केंद्र पर यूपी का करीब 10,000 करोड़ रुपए का बकाया है, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो यूपी का विकास कैसे होगा। तो इस पूरे मामले पर इंडिया 24/7 संवाददाता अनुराग चड्ढा ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल से बातचीत की।
हमारे साथ यूपी के मुख्य सचिव दीपक सिंगल जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, करीब 10,000 करोड़ रुपए का बकाया है जो केंद्र सरकार को यूपी को देना है, बहुत बड़ी रकम है। आपको लगता है कि अगर ये रकम यूपी को मिल जाएगी तो बहुत विकास होगा? देखिए, ये रकम मैंने, इसमें से कई रकम ऐसी है जो रिम्बर्स होनी है। यूपी ऑलरेडी खर्चा कर रहा है, शिक्षकों की सैलरी का 3500 करोड़ तो यूपी खर्च कर चुका ना, सिंचाई के लिए 1200 करोड़ तो खर्च कर चुका ना। तो इससे मिलने से जो वेज एंड मीन, जो हमारे और प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री जी के चल रहे हैं, उसको और गति मिलेगी। वेज एंड मीन पोजीशन स्टेट की इम्प्रूव होती है, फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो ये बातें सब बताई गई जब केंद्र सरकार के सामने, तो ये तो निश्चित रूप से उन्होंने भी आश्वस्त किया, तो इसमें अच्छी तरह से काम आगे बढ़ेगा। और कानून व्यवस्था को लेकर आपका जो बयान है वो बहुत बड़ा बयान है कि जो अफसर सुनेगा नहीं तो या तो उसको जेलों से हटाया जाएगा, और ज्यादा ही किसी ने अति कर दी तो उसको जेल भी भेजा जा सकता है। मेरा जेल का कहने का अभिप्राय ये नहीं कि अधिकारी को जेल में डालने की बात है, क्रेज का अधिकारी को ये भय होना चाहिए कि उसके अगर इस तरह का कोई काम करता है जो कि कानून के हिसाब से सही नहीं है, तो वो किसी भी हद तक पर सरकार उस पर सख्ती कर सकती है। जी सर, एक अहम सवाल ये भी है कि जो बड़े अधिकारी हैं उनको आपने आदेश दिया है कि भाई जो गंभीर अपराध है उन पे आप संवेदनशीलता बरतें। आज जो मेरठ जोन के आईजी हैं सुजीत पांडे, वो नोएडा आते हैं, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और ये कोर्ट की भी रूलिंग है कि अगर आप जो पीड़ित परिवार है उसके नाम को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उसको मीडिया के सामने नहीं लाएंगे, लेकिन उन्होंने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम भी ले दिया, और जब मीडिया ने उनको टोका तो मीडिया पर उन्होंने सवालों की बौछार कर दी कि ये बिल्कुल सही है, कोई गलत गलती नहीं है इसमें। मैं इसकी जानकारी लेकर बता पाऊंगा, मेरे को इसकी जानकारी नहीं। जी अच्छा सर, जीएसटी को लेकर क्या आपका रुख है सर, क्योंकि केंद्र से पास हो चुकी है या संसद में, अब विधानसभा में कब आप पास करेंगे? देखिए, जीएसटी को लेकर मैंने अपने प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी चर्चा हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया है कि यूपी के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात की जाएगी। स्टेक होल्डर से बात कर गए, जो भी चाहे इंडस्ट्री और ट्रेड, यूपी तो कंज्यूमर स्टेट है, तो कंज्यूमर स्टेट को तो सबसे ज्यादा फायदा जीएसटी का होता है, उसमें नहीं है। लेकिन व्यवस्था और उसको लागू करने में ऐसा नहीं होगा जिससे किसी व्यापारी को परेशानी हो, किसी को आदमी को इंप्लीमेंट करने में परेशानी हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद, मुझे निकलने। जी, तो दीपक सिंगल यूपी के मुख्य सचिव, इनका यह कहना है कि करीब 10,000 करोड़ रुपए का जो बकाया है वो केंद्र सरकार को लिखकर दे दिया गया है, अगर वो पैसा वापस आता है तो यूपी का विकास होगा। दिल्ली से कैमरामैन जय के साथ अनुराग चड्ढा, इंडिया 24/7।